الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب إسماعيل وإسحاق إن ربي صدق الله العظيم. ताक रातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और मैंने सोचा कि आज बारगाहे इसाले दरबार में अपनी अकीदत पेश करूं और तमाम ही मुसलमान बहन भाइयों को अल्लाह से लो लगानी है। दरवाजे खुले हैं रहमतों के, परवरदिगार आलम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई है जो मुझसे तलब करे, मुझसे मांगे। बड़ा खूबसूरत कलाम आपके समातों की नज़र करूँगा। लगियां न बुझा लगियां न बुझा सदा लाई रखी सोनिया लगियां न बुझा सदा लाई रखी सोनिया चंगिया के मनिया चंगिया के मनिया निभाई रखी सोनिया लगियां आका दे गुलामा मैं अदना गुलामा
आका दे गुलाब दे अदना गुलाब ते लोटी के खास में ते अब तो भी आमा ते लोटी के खास में ते अब तो भी परदा जे पाया ते पैर की सोने आ परदा जे पाया ते पैर की सोने आ चंगे आके मंदे आ निभाई रखी सोने आ लगिया ने बोझा यकीन कीजिए पता नहीं क्यों लोग मेरे दुश्मन हो जाते हैं सोचते ही नहीं मेरी नीयत को जानते ही नहीं पहचानते ही नहीं लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि ना तेरा लेके आका शान में भी पाई तेरे हाथ डोर साया आपे तू चढ़ाई ये ना तेरा लगे आका शान में पाई पे तू चढ़ाए ते चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोने चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोने चंगे आके मंदे निभाई रखी सोने लगिया ने मोजा नाज़िक राम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अब्रार। आप देख रहे हैं धरती टीवी पे ख़ुसूसी नशरियात सहरी नशरियात बाख़बर रमज़ान ताक रातों का सिलसिला जारी हो चुका है। आखिरी अशरा है और इस अशरे में जो हम दो अशरों में नहीं कर सके कोशिश कीजिए कि अपने परवरदिगार को राज़ी कर लें अपने रब को मना लें। अच्छा परवरदिगार को तो आप राज़ी कर ही लेंगे लेकिन परवरदिगार आपसे राज़ी कैसे होगा? परवरदिगार आपसे राज़ी उस सूरत होगा क्या आपने अपनी माँ से मोहब्बत की, क्या अपनी माँ की बात को सुन के दरगुजर किया, क्या अपने वालिदैन को वो इज़्ज़त वो मकाम दिया जो सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उनकी बेटी ने दिया, अपने बाबा की ताज़ीम की। और नवासे रसूल की अगर बात की जाए तो ऐसे नवासे कायनात में कम हुआ करते हैं कि नाना की ताज़ीम बताई, बाप की ताज़ीम सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो हम क्या उन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद करते हैं या ऐसे ही नबी का कलमा पढ़ लेते हैं? क्या हमने नबी की मानी? घर में कुरान तो है, क्या हमने कुरान को खोला? शबे कदर के हवाले से नाज़िक राम आज खुसूसी गुफ्तगू होगी। हमेशा की तरह हमारे दरमियान सना खानों का गुलदस्ता मौजूद है क्योंकि आज हम करेंगे जिक्र सरकार और करेंगे सरकार की बातें और करेंगे ताक रात की बातें। नाज़िक राम हमेशा की तरह हमें ज्वाइन किया है नौजवान कारी कुरान भी हैं और उलमाए इकराम की तो मैं वैसे ही बड़ी इज्जत करता हूँ कि हमारे सरों का ताज होते हैं और परवरदिगार ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। मेरी मुराद है आलम इस्लाम में परवरदिगार ने बड़ी इज्जत अता की है इनको। मेरी मुराद है जनाब अल्लामा मौलाना शबीर हसन कादरी
शबीर कादरी साहब, कैसे शबीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है, खैरियत से। ताकतों का सिलसिला जारी और सारी है, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। इनके साथ ही हमारे इस्वाद मिशन के रूह रवां हैं, और आप जितने भी सनाख्वान हैं, जब आप आते हैं तो यहाँ तक पहुँचने में जो आपकी मदद करते हैं, वो आज हमारे मेहमान सनाख्वान हैं, जनाब साद अली कादरी। साद भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, ये माइक मेरे पास है आपका, सॉरी। ऐसे मिजाज हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़िकराम, इनके साथ ही हमारे एक मेहमान नाथवान और हैं, परवरदिगार ने इनको बड़ी इज्जतों से नवाजा है, सरकार की सना गोई करते हैं। मेरी मुराद है मोहम्मद बाकर रज़ा, आप सनाख्वान रसूल हैं, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। कैसे मिजाज हैं आपके? इंशाल्लाह आपसे कलाम सुनेंगे। और हमारे दाएँ जाने तारुफ के मोहताज तो है ही नहीं। अच्छा, लोग बोलते हैं कि अयूब उस्मान का क्या मकसद है अली अब्रार के साथ, और अली अब्रार का क्या मकसद है अयूब उस्मान के साथ? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे रात का दिन से और दिन का रात से ताल्लुक होता है, मेरा वैसे ही अयूब उस्मान से ताल्लुक है। और मुखलिस दोस्त आसान नहीं है इस दौर में मिलना, और अयूब भाई वो शख्सियत हैं कि जो बेलोस जो दूसरों ने किया मेरे साथ, अयूब उस्मान ने उसको डिनाई किया और बताया कि वाकई नस्ली लोग इस दुनिया में हैं, राजपूत। और हमारा अकीदत अयूब उस्मान, जो अकीदत का रिश्ता है, और जो देखें सैयद इब्रार अली इब्रार शाह, मतलब नाम को दगा देना, इस नाम को दगा कोई दे सकता है? जो दगा देगा इस नाम को, हुजूर की आल को, इस अकीदत को, तो वो खुद ही खसारे में रहेगा। तो हमारी तो मोहब्बतें, अकीदतें, हमारा जान माल सब आपके लिए हाजिर है जनाब। अयूब उस्मान भाई की बड़ी अच्छी बात है कि ये जो दिल में है ना, वही जुबान पे है, और इसीलिए कराची की जैयद शख्सियात जो है वो अयूब उस्मान के नाम से खड़े हो जाते हैं और बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। आपको खुश आमदीद कहूँगा कि आप हिस्सा बने मेरी ट्रांसमिशन का, ईद के बाद भी आप इनको किसी और रूप में देखेंगे। आज तो आप इनको देख रहे हैं सरकार की बातें करते हैं, लेकिन इनका जो रूप है, जो परवरदिगार ने इनको आज़ादी दे रखी है, क्योंकि सहाफ़ी आज़ाद होता है, आज़ाद सहाफ़ी ही मुल्क पाकिस्तान के लिए एक अमली जामा होता है। बिल्कुल। और जब हकायक की बात करेंगे, और अयूब उस्मान हमारे दरमियान ना हो, ऐसा हो नहीं सकेगा। इनके साथ ही एक और नाथवान है, बड़ी परवरदिगार ने इनको इज्जतों से नवाजा है, आज हमारे दरमियान मौजूद है, मेरी खुशनसीबी है, सीनियर नाथवान है, जनाब मोहम्मद औरंगजेब हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाशमी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, इंशाल्लाह आपसे सलाम समात करेंगे। इनके साथ ही आज की हमारे एक और नाथवान हमेशा हर साल मेरे साथ होते हैं, और मज़े की बात तो राजी कर आपको ये बताऊँ कि जो मैंने कलाम पेश किया ये मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अलहाज रफ़ीक ज़िया का है, और आप भी उन्हीं के ही कलाम पढ़ते हैं। और मैं चाहूँगा कि जब इनका वक्त आए, जब इनके पास टाइम हो, जब इनसे पढ़ने के लिए कहूँ, तो उस्ताद मोहतरम का ही कलाम पेश करें। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद आज़म भाई से। आज़म भाई, कैसे मिजाज हैं? ठीक है। आपका नंबर मुझसे मिस हो गया था, आपका मैसेज आया, मैंने फ़ौरन आपको कहा कि आप तशरीफ लाइए। कैसा लगा आपको पिछले साल की नस्बत? बहुत शुक्रिया। अलावा साहब, ताक रातों का ताक रातें क्यों कहा जाता है? हर रात होती है, लेकिन रमज़ान की जो आखिरी अशरे की रातें होती हैं उनको ताक रात क्यों कहा जाता है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र और खैरुम मिन अल्फ़ शहर, ये दो जुमले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया कि एक रात ऐसी दी कि जो हज़ार महीनों से अफजल है। तो इस हवाले से कुछ दिन कबल भी अर्ज़ किया था कि इसका सनेरियो क्या था, कि जब सहाबा ने देखा कि पिछली उम्मतों की उम्र इतनी ज़्यादा हुआ करती थी, कोई 900 साल, कोई हज़ार साल, कोई 1500 साल तक ज़िंदगी पाता था, तो अब सहाबा किराम ने सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम तो 60 साल, 70 साल, 100 साल की उम्र है, हम तो उनकी इबादतों को नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब इस पर फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत मुहम्मदी को यह तोहफ़ा अता फरमाया कि अगरचे तुम्हारी उम्र इतनी है, लेकिन तुम गम ना करो। क्या कि मैं तुम्हें एक रात ऐसी दूंगा कि उस रात की कदर कर ली तो हज़ार हाँ महीनों से अफजल होगी, हज़ार हाँ महीनों की इबादत से अफजल होगी।
अलगर्ज ये कि ये जो आपने सवाल किया ताक रातों का, ये हकीकतन अल्लाह तबारक व ताला ने पहले एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि ये वो महीना है रमज़ान का कि जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। बेशक। फिर एक मकाम पर फरमाया कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है, और लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र हज़ार महीनों से अफजल है और ऐसी रात है कि जिसमें फ़रिश्ते उतरते हैं और रूहुल अमीन के साथ उतरते हैं। अलगर्ज ये कि जब पहले तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया गया कि शब कदर कौन सी रात है, फिर बाद में आपको मना फरमा दिया गया कि आपने इस राज को खोलना नहीं है, फिर ये फरमाया गया कि आपने उम्मत को ये बताना है कि इसको ताक रातों में तलाश करो। तो ताक रातें जैसे हम उर्दू में भी होता है ताक और जुफ्त का जो अदद होता है, तो 21, 23, 25, 27, 29, अब इसमें कोई सी भी रात शब कदर हो सकती है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 27, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज हो चुका है कि 27 को ही समझना। कैसे जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि आज की रात शब कदर है? शब कदर की रात वैसे तो जो इसके साथ मेरा एक और सवाल भी ऐड कर लीजिएगा कि जैसे ताक रातें पाकिस्तान में कुछ हैं, सऊदी अरब में कुछ हैं, कहीं तो ये भी, अब जैसे अफगानिस्तान में आज सपोज के 24वां रोज़ा है तो पाकिस्तान में 25वां है, ये ताक रात को कैसे? जी देखें, पहले तो ये कि ताक रात का इल्म कैसे हो, और यानी शब कदर का इल्म कैसे हो। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि वो लोग जो माशाल्लाह साहिब कश्फ थे और इन चीज़ों को पहचानते थे, जानते थे, उन्होंने कुछ निशानियाँ बयान फरमाई। एक जिसमें से बहुत बड़ी निशानी है कि समंदर का पानी उस दिन मीठा हो जाता है। अच्छा, यानी लैलतुल कद्र जिस रात होती है उस रात समंदर का पानी मीठा होता है। अब खैर हमें तो मतलब अब जाकर चेक तो नहीं कर सकते, हर ताक रात वहां जाके बैठ जाए, 21 स्थान से बैठ जाए कि पानी जब मीठा हो तो शब कद्र। अलगर्ज ये कि एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं और बुजुर्गान दीन का ये कौल है कि इंसान इखलास व लिल्लाहियत के साथ, इखलास और लिल्लाहियत के साथ जिस रात की कदर कर ले वही उसके लिए शब कदर। क्या खूबसूरत बात, जिस रात की उसने कदर कर ली बहुत खूबसूरत बात है, वही उसके लिए शब कदर है। अलगर्ज अब जो अयुब भाई ने सवाल किया कि यहाँ मतलब चांद की तारीखों का जो है वो डिफरेंस होता है कि कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, तो ये रीजन के एतबार से इख्तलाफात होते हैं कि अब वो रीजन अलग है, वहाँ चांद के मामलात अलग हैं दिखने के, और जो डायरेक्शन होती है, जो डिग्री होती है, लेवल होता है चांद का, और फिर सतह इर्तिफा के एतबार से और सतह समंदर के एतबार से चांद को देखने के विजिबिलिटी के डायरेक्शन और व्यूज़ जो है वो तब्दील होते हैं रीजन के, दुनिया के जोग्राफियाई एतबार से। अच्छा, अब वहाँ के लोगों के लिए ताक रात अलग दिन है, हमारे लिए ताक रात अलग दिन है, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है क्योंकि इंसान जहाँ पर रहता है उसके लिए वहीं के एतबार से अहकाम शरिया हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक जो आमा जो लोगों में आम है, जब यूं कह लें कि मशहूर है, और उसी एतबार से हुक्म शरा भी नाफिज होगा। वहाँ के एतबार से जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके अहकाम वहाँ के एतबार से होंगे। यानी अब देखें, इसको यूँ समझ लें कि जब मक्का शरीफ में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो वहाँ के लोगों के लिए अहकाम अलग थे, जब मदीने शरीफ हिजरत की तो वहाँ के फिर अहकामात में तब्दीली आई। तो अब ये मामलात होते हैं कि शरीयत का जो मिजाज है, मिजाज शरा ये है कि अमल करने वाले को आसानी दी जाए, उस पर मुशक्क़त ना दी जाए। तो ये जो लोग इस तरह की बात करते हैं ना कि इस्लाम बहुत मुश्किल है, दीन बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। अब देखें, कुरान ने ही बताया कि जो तुम में से रमज़ान को पाए तो उसे चाहिए कि रोज़े रखे, फ़मन शहीदा मिनकुम शहरा फलयसुम हो। अच्छा, अब कहा कि भाई जो रमज़ान को पाले वो रोज़े रखे, लेकिन शरीयत ने इसकी भी रियायत दी कि अगर तुम मरीज़ हो, तुम्हें कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, या सफ़र में हो, ऐसा मामला है कि रोज़ा नहीं रख सकते, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, बाद में गिनती पूरी कर लेना। भाई मिजाज शरा तो ये है, ये नहीं है कि वो उस पर सख्ती की जाए या इस तरह का कोई मामला किया जाए, ये मिजाज शरा है। और ताक रातों के हवाले से कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ताक रात होती है या लैलतुल कद्र होती है तो जिब्रील अमीन फरिश्तों की बहुत बड़ी तादाद के साथ
زمین پر تشریف لاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے جو کہ کعبے کی چھت پر لگا دیتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتوں جاؤ اور جو اس رات میں عبادت کرے ذکر اللہ کرے تسبیح کرے تو تم اس کے ساتھ اس کے ذکر میں شامل ہو جاؤ اور جو وہ دعا کرے تم اس کی دعا پر آمین کہو کیا بات ہے علامہ صاحب جو ایمان جو مسلمان دعا کرے اور فرشتے آمین کہیں تو یقین کیجئے وہ دعا رد نہیں ہوگی کیا بات ہے بڑی خوبصورت بات ہے میں چاہوں گا کہ ایک نعت خوان کو بھی شامل گفتگو کر لیں اور ہمارے مہمان قاری اللہ وسایا شفیق آپ کو بھی خوش آمدید کہیں کہ آپ نے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا میں چاہوں گا کہ محمد باقر رضا نعت رسول مقبول پیش کریں اور ان کی نعت سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اپنے روزے کی جلی آقا دکھلائیں گے اپنے روزے کی جلی آقا دکھلائیں گے آقا مدینے والے در پہ بلوائیں گے کہہ دو آقا مدینے والے سب کو بلوائیں گے رو رو کے عمر گزاری اپنی نا آگی باری رو رو کے عمر گزاری اپنی نا آگی باری وہ دن کب آگے گا جب ہم توبہ جائیں گے وہ دن کب آگے گا جب ہم توبہ جائیں گے بڑی غریبی ہے بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے یہ گاؤں اور تمہارے در سے بہت آقا دور ہو گئے یہ گاؤں جو حکم ہو تو مدینے کو مدینے کو گھومنے آگے دیارِ پاک کی دیوار آقا چومنے آئے اگر حضورِ اگر حضورِ اگر حضورِ آپ کے روزے کی دید گو جا جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید گو جاگے آقا مدینے والے در پہ بلوائیں گے گا آقا مدینے والے بگڑے بنائیں گے اور کہتا کہ دل یہ میرا توبہ میں ہوگا تیرا پھر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے
संभाला तो किधे जाऊंगा। इतना मानूस हुआ मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, मैं तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया मैं मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मैं मर जाऊंगा। आदत नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। अपने ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और मेरी हर सांस की डोरी दरे पंजतर से जुड़ी बेखतर हो के लहद में उतर जाऊंगा। अपने गए इधर जाऊंगा। वक्फे से वापस आ चुके हैं नाज़िक राम। आज़म मोहम्मद आज़म बार गाहिर सालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे। अलहाज उस्ताद रफ़ीक जिया का कलाम आपने पेश किया। मैं चाहूँगा कि बदर मुनीर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और बदर भाई, आज हमने चाहा कि ज़िक्र सरकार, क्योंकि ताक रातों का आगाज़ हो चुका है, तमाम चीज़ों से मुबर्रा होके क्यों ना इन रातों को सरकार के जिक्र की महफिल से मुनव्वर किया जाए, इस ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं आप? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ मिलकर अहमद मुख्तार की बातें करें। वाह, बंदगाने इश्क है सरकार की बातें करें। वाह 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 वाह। रात को मिल बैठते हैं चांद तारे चरख पर, क्या बात है, आका ताके तेरे रूए पुरनवार की बातें करें। वाह, इससे बढ़कर और क्या बात है। ये पूरी कायनात मेरे आका का सदका, रमज़ान मिला, कुरान मिला, रब्बुल आलमीन रहमान मिला, उनके सदके तो फिर उनका अगर जिक्र ना करें तो फिर किसका जिक्र किया जाए। इससे बढ़कर और सादत क्या हो सकती है। और 27वीं की महफिल, हाँ हाँ, और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी महफिल किसी भी चैनल पे नहीं होगी जितनी बड़ी महफिल बदर मुनीर की सरपरस्ती में, साद की, नवेद जाफरी की, गनी की, जो तमाम फ्लोर को सजाने में
गोशा रहते हैं, हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम के ज़ेर तमाम इतनी आला फ़कीदुल मिसाल रूप परवर और बड़ी ट्रांसमिशन वाली इंशाल्लाह महफिल नहीं होगी। इनामात की भम्मार और नातिया मुकाबले का फाइनल, आज नातिया मुकाबले का क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है, एक क्वार्टर फाइनल कल हुआ था, एक आज होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि इससे कबल कि हम नातिया मुकाबले की जानिब बढ़ें, कारी अल्लाह वसाया शफीकी, कारी साहब आपकी क्या बात है, आपने तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ किया, आपकी कोई एनजीओ है, क्या करते हैं आप? सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, मुंह से जैसे बोलता कुरान वो तकरीर ही तकरीर है, हुस्ने मुस्तफ़ा को देखकर कहती है ये दुनिया वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। सामिन मोहतरम, मैं सैयद अबरार अली शाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ और अजूब उस्मान साहब को और उसकी पूरी टीम को, मुझे यहाँ रूह परवर प्रोग्राम मिला और मुझे तो मैं अपने वजदान से और कहना चाहता हूँ तो ये भी बाइद नहीं होगा कि आज ही लैतुल कद्र की सआदत हम सब टीम को और हमें नसीब होगी, क्योंकि हर इंसान कोशिश कर रहा है, गोते लगा रहा है कि हमें इस सआदत की घड़ी नसीब हो जाए। तो मैं कारी अल्लाह वसाया न्यू इत्तेहाद वेलफेयर की तरफ से हाजिर हुआ हूँ, जिसके चेयरमैन हैं मोहम्मद शाहिद मियो, उनकी इजाज़त से दो चार बातें अर्ज करना चाहता हूँ अगर शाह साहब इजाज़त दें तो। मैं 2014 से चेयरमैन के साथ वाबस्ता हूँ और लाहौर, कसूर, मुल्तान और सुजाबाद, मीरपुर ख़ास यानी कि अंदरूनी सिंध और कराची के मजाफात कच्चे गोठू में इन्होंने तालीम के लिए छोटे छोटे स्कूल हम सबका घर जो है ना उसके लिए कोशिश की है और कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके जज्बे को ईमान की सलामती दे, इनकी उम्र में वसत दे और जिस्म में बरकत दे और हम सबको ऐसे तालीमी छोटे छोटे हसब ताज हसब इस्ताद उसको पाए तकमील तक पहुँचाने की हमें तौफीक अता फरमाए। क्या बात है कारी साहब, इंशाल्लाह आपको दोबारा भी मधु करेंगे, आज आपसे बात मजीद हो ना सकी। कारी साहब का जो इतरा स्कूल है उसकी खास बात यह है कि 3 साल का बच्चा नर्सरी में एडमिशन होता है तो वो 7 साल की उम्र में हाफिज बनकर निकलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इनका एक स्कूल चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें यूनिफॉर्म, किताबें, सब कुछ जो है वो कारी साहब अपनी मदद आपके तहत वो करते हैं। अच्छा, ये टीवी पर आना और वो जो उससे आज हमारा मौका और हमारी खुशकिस्मती के कारी साहब की तिलावत से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, कारी सुहेल साहब चले गए थे आज, तो ये अच्छा, मैं बार बार कहता हूँ ना कि हमने कोई अपने फ्लोर पर एक्टिंग वाला माहौल ही नहीं रखा हुआ कि हम कहते हैं या अल्लाह तेरे सहारे हम चले चले जा रहे हैं और वो कहते हैं ना कि रौनकें उसकी तरफ से हैं, बरकतें उसकी तरफ से हैं। मैंने आगाज में कहा ना कि हम के लगियां ने मोजा लाई रखी सोने, तो हमने मोजे हमारी लगी हुई हैं, वो सरकार ने लगाई हुई है, वो जब तक उनका करम है चलते रहेंगे। नाज़रीन कराम, मैं चाहूंगा कि साद कादरी हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप एक शेर पढ़ दें तो फिर उसके बाद, क्योंकि आप तो मेज़बान हैं, हम चाहते हैं कि इनके बाद सीनियर नाथ खान जो हमारे जिन आपके ही बुलाए हुए मेहमान हमारे मेहमान दो शेर सुना दें, यकीन करें वाकई अकीदे का शेर है और बहुत बेहतरीन है। बिस्मिल्लाह, अताओ मकां पे भी हुकूमत मुस्तफा की है, मकां पे भी हुक्म
हुकूमत मुस्तफा की है, मका और ला मका पर भी हुकूमत मुस्तफा की है, जहां मुजरिम बरी हो वो अदालत मुस्तफा की है, जहां मुजरिम बरी हो वो अदालत मुस्तफा की है। अरे जिब्री अरे जिब्रील आओ ना, तुम अपने पर बिछाओ ना, यहां से आज गुजरेगी जो उम्मत मुस्तफा की है। और नकीरों उनसे ना घबराना, नकीरों का हो जब आना, शशील से ना घबराना, वहां तेरी तसल्ली को मुस्तफा की है, वहां तेरी तसल्ली को हिमायत मुस्तफा की है। क्या बात है, क्या बात है। साथ भाई आप सलामत रहिए। और यकीनन नाज़रीन किराम, ये वो नौजवान नाथवा है कि जिसे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने पर मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। आज अकीदे का कलाम पेश किया, और मैं चाहूँगा कि इससे कबल कि हम नातिया मुकाबले की जानिब जाएँ, हमारे दरमियान आज के हमारे मेहमान नात खान मोहम्मद औरंगज़ेब हाशमी, आप भी शामिल इबादत हो जाइए। जो मैं कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, खुशकिस्मती यह है कि मैं हाल ही में सरकार से वसल्लम की बारगाह से हाजिरी करके लौटा, और मैं कंटिन्यूसली रोजाना ये दुरूद पाक और रुबाई दुरूद पाक में ही पढ़ता था, और हर रोज आप वसल्लम की बारगाह में ये कलाम मैं लाजमी फजर की नमाज के बाद पढ़ता था, जो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جو لوگ مدینے والے کا جو لوگ مدینے والے کا میلاد منایا کرتے ہیں محفل کو سجا کیا کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی میرے آقا ان لوگوں کو بھی میرے آقا
रोजे पे बुलाया करते हैं अल्लाह उम्मा सल्ले गदा सैयदना मौलाना मोहम्मद ये समावी के कितना अजील है ये समावी के कितना अजील है के यहाँ पे जिक्र हबीब है ये समावी के कितना अजील है के यहाँ पे जिक्र हबीब है हम नबी से कितने करीब गए हम नबी से करीब गए तो अपना अपना नसीब है अल्लाह उम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद। क्या बात है सुभान अल्लाह। नातिया मुकाबले की जानिब चलते हैं और यकीनन आपका पसंदीदा सेगमेंट है ये कुल पाकिस्तान मुकाबला नात। आज उसका क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आज के हमारे पहले शरीक मोहम्मद फाहद आए तशरीफ़ लाएं और एक शेर पेश कीजिएगा। तशरीफ़ लाइए मोहम्मद फाहद कादरी। थे आज के मुकाबले की पहली आवाज़ नाज़िकराम। अज़ान फ़ज्र का वक्त हुआ चाहता है, मुख्तसर सा वक्फ़ा है, हमारे साथ रहिएगा। मुकाबला नात की दूसरी शरीक और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं नाज़िक राम, जिसको धरती टीवी के साथ मैं बाखबर रमज़ान के साथ पेश खिदमत हूँ। इंशाल्लाह देखते हैं कि आज मरियम जजिस को कितना मुतमईन कर सकती हैं, क्या करती हैं अपने कलाम से जजिस को मुतमईन कर सकेंगे। कैसी है मरियम आप? ठीक है, कौन सा कलाम पेश करेंगी? वाह वाह वाह, उस्ताद ज़बीह मसूद साहब का कलाम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह कलाम पेश कीजिए। सुकून पाया है बेकसीने उदूद लगन से निकल गया संभल
ये थी मरियम जो कि बार गाहे रिसाले दिमाग में गुलहाय अकीदत पेश कर रही थी। असगर अली से मुल्तमिसों के वहाँ और कलाम पेश कर रही। ये बच्ची शायद ऑडिशन में भी इसी कलाम से आगे आई थी। जी जी माइक पे आगे हम लेके जाते हैं तो इसके बाद आप कौन सा कलाम पढ़ेंगे? उनके पास कलाम ही नहीं है। जी बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सादी बाहर आ से है। मेरी तो आस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज़, मेरी तो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखें और मोहम्मद मेराज अली तशरीफ़ लाइए। आज के आखिरी शरीक हैं मुकाबले के क्वार्टर फाइनल के। जी बिस्मिल्लाह। खुदा की अज़मतें क्या हैं, खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, खुदा की अज़मतें क्या हैं, खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने, सदा करना मेरे बस में मैंने तो सदा कर दी, सदा करना मेरे बस में था मैंने तो सदा कर दी, वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा, सही जाने गदा जाने। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे मोहम्मद मेराज अली कादरी। और चलते हैं बदर भाई आपकी जानिब, क्या कहेंगे? आज चार आवाज़ें हमारे दरमियान मौजूद थी, किसी एक आवाज़ को आगे जाना है, एक को अगर सिलेक्ट दो हो जाए तो आपकी मर्जी है, आप जज हैं, आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं। ठीक है, दो जज हैं तो दोनों ने दो को सिलेक्ट किया। जी लेकिन बताइए कि क्या देख के आपने सिलेक्ट किया? अच्छा, इस बच्चे ने नात पढ़ी है, नात का माना होता हुजूर की तारीफ। असगर अली, इस बच्चे ने, बड़े ने, जी जी मोहम्मद फहद ने, जी असगर अली ने नात पढ़ी और जो पढ़ी जाती है जी, इन दोनों को हमने देखा तो वो छोटे ने अपने कद से बढ़कर काम करने की कोशिश की,
कोशिश की जी, यानी उसको उसकी तरफ वोट ज़्यादा जा रहे हैं। अच्छा, छोटे की तरफ, यानी कि मोहम्मद असगर अली जी हमारे दरमियान। हुजूर, मेरी तो सारी बहार आपसे है। बेशक, ये हमारे साथ शामिल सफर होंगे जी। और दूसरी आवाज़ कौन सी है? फहद। फहद, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप हमारे दरमियान आइंदा यानी कि कल आप तशरीफ़ लाएंगे। और जो लोग मुकाबला नात में आते हैं, हमेशा मेहनत कीजिए और कोई मसला नहीं होता। ये ज़िक्र ऐसा है कि ये बुलंदियाँ अता करता है। हमने भी मुकाबले लड़े हैं, हारता ही रहा हूँ मैं तो, और इंसान हारने के बाद ही जीत आती है। और कोशिश जारी रखिएगा, और जब कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह सरकार तो नवाजेंगे। और मैं आपको ख़ास तौर पे, आपको हमारे जजेस ने सेलेक्ट किया है, आपके अंदर बहुत कमियां हैं, आप उनको दूर कीजिए, ठीक है? और उस स्केल का इंतखाब कीजिए कि जिस स्केल पे आपको अबूर हासिल हो, जिसे निभा सकें। कद से बड़ा काम आपने किया बदर भाई की, इस बात को मैं सराहता हूँ। अलावा साहब क्या कहेंगे, आज की सिलेक्शन से आप मुतमईन हैं दोनों जजेस की, या कोई बात अच्छा है तो आप कह सकते हैं? नहीं नहीं, सिलेक्शन बहुत अच्छी दोनों ने की है, और कलाम वाकई नात ही पड़ी है, और बहुत अच्छा माशाल्लाह जो सिलेक्शन किया है दोनों का। तो आपका इत्तेफाक? जी जी, इत्तेफाक है। आप तो सहमत हैं बदर मुनीर के? मैं इसमें अयूब भाई आप सभी में जाऊंगा। हाँ नहीं, मैं हूँ तो मुत्तफिक, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अबरार भाई अक्सर ये एक कलाम पे कहते हैं कि मेरी अरूज का मुझे बहुत पसंद है, मैं जब भी परेशान होता हूँ तो मैंने ये देखा कि उस जब से अबरार भाई ने ये कहना शुरू किया तो हमारे कई जो नातवां हजरात या बच्चे आते हैं वो इसी कलाम पर उन्होंने एक फोकस कर दिया कि जजेस की बजाय अली अबरार ने उनको सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है, इसमें ये है, आप मुकाबले नात में आप जाएँ, चंद आपको मैं कलाम सुना सकता हूँ गिनती के जो मुकाबलों में आते हैं। अच्छा, उनमें ये कलाम सर फहरिस्त होता है। अच्छा, आम बंदे से भी पूछोगे ना यार हुजूर के बारे में क्या कहते हो, वो कहेगा हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है बदर भाई, आपने तो चुटकी बजा के कर देते हैं मसला। आसिफ भाई, आपकी आज हमारे मेहमान सना हुआ है, आपको क्या लगता है कि कैसा पढ़ाएंगे? माशाल्लाह छोटे बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा है। हुजूर मेरी तो सारी बार आपसे है, जो कलाम है ना, कलाम ही ऐसा है जो पढ़ता है उस पर अल्लाह का करम हो जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, और फहद भाई ने भी अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जज साहब को कि उनका जो फैसला किया उन्होंने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़िक राम, अभी इख्तिताम की घड़ियाँ नज़दीक हैं, और मैं चाहूँगा कि बदर मुनीर अगर कोशिश करें तो एक ऐसा कलाम हो जाए, या अयूब उस्मान आज कलाम पेश करेंगे। बदर भाई का गला साथ नहीं दे रहा, मैं चाहूँगा कि सब मिलके आज़म भाई साथ, अलावा साहब आप भी सब मिल के कोई ऐसा दुआया कलमा अदा कर दें कलाम की सूरत में। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
कब किसने कहा, अरे किया है जब भी अदा ला इल्ला अल्लाह किसी ने पूछा 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 किसी ने पूछा कि दिल की कोई की मत है, किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह नजर जाती है जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं नियत मेरी भर जाती है, इलाहा